गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर एसएसटी टीचर ऑफ क्लास 3. टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10, दिल्ली, विच इज ऑन पेज नंबर 54, ओपन पेज 54. येस, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर यमुना. दिल्ली कहाँ है? जो रिवर यमुना है उसी के पास में दिल्ली क्या है, सिचुएटेड है, मतलब बसी हुई है. इट इज़ बिलीव दैट सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ड बाय द पांडवा किंग्स. ये कहा जाता है कि जो पांडव थे, जो महाभारत में आए पांडव किंग्स, उनके द्वारा सबसे पहले दिल्ली बनी थी. इट वॉज देन कॉल्ड, फिर उन्हें फिर बाद में कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ, उसे मतलब दिल्ली को दूसरा नाम है इंद्रप्रस्थ कह देते हैं. थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, हजारों साल बाद, अ किंग कॉल्ड शाहजहाँ, एक किंग थे शाहजहाँ, जिन्होंने फिर से एक सिटी बनाई और उसे नाम क्या दे दिया, शाहजहानाबाद, मतलब अपने नाम पे ही नाम दे दिया. न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट एज द कैपिटल ऑफ इंडिया. जो न्यू दिल्ली है वो कैसे बनी, इंडिया की कैपिटल बन गई बाय द ब्रिटिशर्स. किसने बना दी, ब्रिटिशर्स ने ये ऐलान कर दिया कि जो न्यू दिल्ली है वो क्या है, इंडिया की कैपिटल है. इट वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन ल्यूटेंस. वो कैसे बनी, जो सर एडविन ल्यूटेंस थे उनसे, उनके द्वारा प्लान करके बनी. जो ऑफिशियल नेम है दिल्ली का उसे क्या है, इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इट इज़ सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश. किससे सराउंडेड है, ईस्ट की साइड में उत्तर प्रदेश, और अलग 3 साइड्स में किससे सराउंडेड है, हरियाणा से. दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर. जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है दिल्ली में, और ठंडों के समय विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. हॉट एंड ड्राई विंड, जो हॉट और ड्राई विंड, जो सूखी और गर्म हवा चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लू कहती हैं. जो कि कब ब्लो होती है, मतलब कब चलती है, मई और जून में. इट रेन्स, और रेन कब होता है, मतलब बारिश कब होती है, बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर. जो गवर्नमेंट का मेन ऑफिस है, जैसे कि इंडिया की कैपिटल, तो सारे ऑफिसेज वगैरह कहाँ होंगे, दिल्ली में ही होंगे. तो जो मेन ऑफिस है गवर्नमेंट का इंडिया का, वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन. ये राष्ट्रपति भवन का फोटो, वहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं. प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद. इट हैज़ द ब्यूटिफुल मुगल गार्डन. उसके पास, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मुगल गार्डन्स है, जो कि मुगल पीरियड में बने थे. देयर आर 2 ऑफिस ब्लॉक्स, 2 ऑफिस ब्लॉक्स है सेंट्रल सेक्रेटरीट के, विच इज़ वेयर मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग ऑफिस के, वहाँ बैठते हैं. जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो क्या है, साउथ ब्लॉक में होता है. कहाँ होता है, साउथ ब्लॉक में. अदर जो अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उनके डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो क्या है, वो साउथ ब्लॉक के चारों तरफ ही काम करते हैं, मतलब पीएम की देखभाल करते हैं, मतलब उनके साथ ही रहते हैं. द लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा क्या है, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की 2 हाउसेज हैं, विच इज लोकसभा एंड राज्यसभा. वहाँ और मीटिंग, इन दोनों की मीटिंग क्या होती है, पार्लियामेंट हाउस में. ये रहा पार्लियामेंट हाउस. द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री, जो अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट है, उसने हैव देयर ऑफिसेज इन दिल्ली. अलग अलग कंट्रीज के भी कुछ ऑफिसेज दिल्ली में हैं, दिल्ली में हैं. देयर आर नोन एज एम्बेसीज और हाई कमीशन. उन्हें क्या कहते हैं, एम्बेसीज या फिर हाई कमीशन, उन ऑफिसेज को कहते हैं. द मेट्रो इज़ फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दिल्ली में क्या है, आपको मेट्रो देखने को मिलेगी, वो क्या है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इट हैज़ मेड ट्रेवल ईजी एंड कम्फर्टेबल. क्या है, जब लोग एक बहुत दिल्ली बहुत काफ़ी बड़ी है, तो जब एक जॉब करने के लिए जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में लोग निकल जाते हैं, तो मेट्रो के थ्रू जा सकते हैं ईजीली और कम्फर्टेबली. अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मतलब टूरिस्ट जहाँ पे घूमने आते हैं दिल्ली में. तो जो क्या है, दिल्ली जो है, ये जो दिल्ली सिटी है क्या है, बहुत ही फेमस है मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट मतलब जो पहले किंग्स थे वो क्या करते थे, दिल्ली पे कब्जा करते थे, जितने भी उनके फोर्ट वगैरह थे वो दिल्ली में ही बनवाते थे. तो एक रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, जो कि किससे बना, रेड सैंड स्टोन से बना है. और किसने बनवाया, शाहजहाँ ने. ये कौन थे, मुगल एम्परर थे शाहजहाँ. ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर, 15 अगस्त को हर साल, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं एट रेड फोर्ट. कुछ अलग प्लेसेज हैं, जैसे जंतर मंतर, कुतुब मीनार, हुमायूं स्तूप, लोधी गार्डन्स, इंडिया गेट, राजघाट, शांति वन, शंकर इंटरनेशनल डॉग्स म्यूजियम, जू एंड
दिल्ली हाट, ये सब क्या है, अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे हम कभी जाएं दिल्ली घूमने तो इन जगह पे घूम सकते हैं। राजघाट, और एक जगह है राजघाट जहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी की समाधि है। महात्मा गांधी कौन थे, फादर ऑफ द नेशन। एक अमर जवान ज्योति है जो क्या है, वो हमेशा जलती रहती है, फ्लेम मतलब आग से, मतलब जो दीपक हम जलाते हैं इंडिया गेट पे ही है, वो जलती रहती है किसके लिए, जो जिन लोगों ने किसके लिए जलती है वो, जो उन इंडियंस के लिए जिन्होंने हम अपनी जान अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी हमारी इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी और बाकी के लोग। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस, और बाकी की रिलीजियस प्लेसेस भी हैं दिल्ली में, जैसे कि कुछ हैं अक्षरधाम टेम्पल, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा, बंगला साहिब, जामा मस्जिद एंड सेंट जेम्स चर्च। ये अलग अलग कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं। ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल, जितने भी इंडियन फेस्टिवल हैं मोस्टली अलग अलग लोग रहते हैं तो वो अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती एंड नवरोज। ओके, मैंने स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे काफ़ी स्पोर्टिंग, जैसे कोई क्रिकेट है या फिर फुटबॉल वगैरह, काफ़ी अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स दिल्ली में होते हैं। एक है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कब हुआ था, दिल्ली में हुआ था 2010 में। जो गेम्स है वो क्या है, बहुत ही बड़ी सक्सेस है दिल्ली के लिए। लाइक मोस्ट इंडियन, जो अलग अलग इंडियंस हैं वो अलग अलग टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, सलवार सूट भी पहन लेते हैं, जीन्स भी पहन लेते हैं, स्कर्ट्स भी पहन लेते हैं एंड अदर ड्रेस, और अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रेसेस पहन लेते हैं, कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं है। इन दिल्ली यू कैन मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, हर कंट्री के आपको लोग मिलेंगे दिल्ली में, क्योंकि किसी की जॉब होती है, किसी की कुछ होता है, दे लिव एंड वर्क हियर, वो रहते हैं और अपना काम करते हैं दिल्ली में। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब अलग रहेगी उनको तो उसकी भाषा, मातृभाषा वीकेंड से तो उसको आदत पड़ गई, तो हर कोई अपने अपनी लैंग्वेज बोलता है जो उसके मुँह, जो भी उसके जीभ पे आ जाए, मतलब जो उसकी मातृभाषा हो, और सेलिब्रेट अलग फेस्टिवल, अपना अपना फेस्टिवल मनाते हैं, सब प्यार से रहते हैं, लेकिन क्या है, वो सारे इंडियंस हैं, भले ही अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, भले ही अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन वो सब क्या है, इंडियंस हैं। दस वी कैन कॉल दिल्ली अ मिनी इंडिया, तो हम दिल्ली को क्या कह सकते हैं, मिनी इंडिया, मतलब छोटा इंडिया कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सारी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, सब लोग वहाँ रहते हैं, अलग अलग पूरी कंट्री के अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है। ये आपके कुछ रिकैप पॉइंट्स हैं, ये इसके एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज आपको वीकली होमवर्क में मिल जाएंगी, इनके आंसर सब क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करना है, बुक एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। Thank you, class, and have a nice day. Goodbye.